गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन के सेकंड पार्ट। इसमें जो सवाल लिया गया है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो मेरी आग्रह रहेगी कि आप लोग इस सवाल को देखें। इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो आजकल जो पूछे जा रहे हैं, मैं उस क्वेश्चन को कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस करता चलूंगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें, अगर अच्छा लगे तो पहले देखें सवाल को, अगर अच्छा लगता है कि नहीं हमको उन्हें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने मिलकर सभी हम लोग 1K+ सब्सक्राइबर का एक परिवार बन चुके हैं। चलिए तो थैंक यू, ज़्यादा जो है कि बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को बोर लगेगा। ठीक है, तो हम लोग काम का बात करते हैं। चलिए पहला सवाल हम शुरुआत करते हैं इसी के साथ। चलिए मेरा पहला सवाल है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल क्या है। देखिए पहले समझिए कि सेक्टर को समझिए क्या है। देखिए ये है आपका वृत्त, यहाँ से किसी सेंटर पॉइंट से एक वृत्त को खींचा जाता है। तो सेंटर पॉइंट से जब खींचेगा ऐसे करके अगर सेक्टर बनता है तो ये तीनों चारों साइड मिलकर 360 डिग्री होता है। इसमें कहता है 45 डिग्री का निकालिए, कितना 45 डिग्री का निकालिए। तो देखिए इसको हम सीधा कहेंगे कि 360 डिग्री है, तो आप इसकी कितना भाग हो गया बताइए। तो ये हो गया क्या, 360 को आप जब 45 से भाग देंगे तो 45 तो कितना होगा, 8 बार में कट जाएगा ये, यानी कि 8 बार में कटेगा यानी कि 8वां भाग है ना। या तो आप ऐसे कह सकते हैं यानी आठ आठ पार्ट हुआ, कट के कितना निकला आपका, 8 पार्ट। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 45 निकालना है कितने से, 360 में से कटाइएगा तो कितना आएगा, 1/8, यानी 8वां भाग। जितना भी क्षेत्रफल आएगा इसका अगर हम 8 भाग कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। अब देखिए रेडियस कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब कहते हैं एरिया क्या होता है इसका, वृत्त किसी भी सर्कल का अगर एरिया निकालने जाएंगे तो इसका होता है π r²। ठीक है, तो π का मान होता है 22/7, कितना होता है, 22/7 होता है। किसका मान, तो पाए का मान होता है 22/7। ठीक, और r² हम तो 14 है, 14 × 14 कर देंगे, और जितना भी एरिया आएगा उसको हम 8 से भाग कर देंगे तो आंसर तो हो जाएगा ना। अब कटे 7 × 2 = 14, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2, 7 × 14, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, और 2 से इसको कटाइए 11 हो जाएगा। 11 × 2 = कितना हो जाएगा, 11 यहाँ 7 बचा है। ठीक है, 11 × 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर² हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका वो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना छोड़ें, आप देखिए कि कितना भाग आ रहा है, कितना हो जाएगा ये, 77 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझे कि नहीं। अगर आपका 90 डिग्री रहेगा तो देखिए 90 डिग्री कितना में, 360 में है ना जी। अगर 90 डिग्री रहता है तो 90 डिग्री कितना में, तो 360 में। आप कटा लीजिए 9 × 4 = 36, जितना भी एरिया आएगा तो 1/4 कर देंगे। 30 डिग्री रहेगा तो 30 डिग्री रहेगा तो क्या, कितना में, 30 डिग्री रहेगा कितना में, 30 डिग्री रहेगा 360 में। आप क्या कीजिएगा, 0 × 0 = 3, 3 × 12 = 36, यानी 1/12 आया। तो जितना भी एरिया आएगा उसका 12 भाग कर लेंगे, आंसर उसका आ जाएगा। समझे कि नहीं, तो देख लीजिए सवाल जैसा था, आप इसको फिर से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जल्दीबाजी ज़्यादा नहीं करते हैं ताकि आप लोग समझ पाए, क्योंकि ये यहाँ पर जो ऑनलाइन इंटरेक्ट हो रही है आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो वर्ग m और n की विकर्ण 2:1 है, कितना है, तो 2:1 है विकर्ण। सबसे पहली बात तो एक बात याद रखें, ये वर्ग है, इसका जो विकर्ण होता है ना, इसका विकर्ण होता है √2 × साइड होता है। अगर अगर विकर्ण ही दिया हुआ है आपका कितना, टू, कुछ भी दिया रहे मान लिया जाए, यहाँ 2a है तो साइड क्या हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा 2/√2, होगा कि नहीं, यानी
यानी कुछ भी दिया रहेगा उसके बटे रूट टू हो जाएगा, होगा। अगर अगर कहेगा एरिया क्या होगा, इसका एरिया, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अब जब आप साइड निकाल लिए हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे, होगा कि नहीं। तो अब आप देखिए, अगर हम ये नहीं निकालने गए तो जब रेशियो निकालेंगे तो ये रूट टू तो हर जगह कटने वाला है, कटने वाला लॉजिकली बात है जी। ये रूट टू यहाँ भी, अगर हम देखिए रूट यहाँ टू टू बाय रूट टू कर देंगे तो भुजा आ जाएगा, इसका वन बाय रूट टू कर देंगे यहाँ भुजा आ जाएगा। अरे भाई इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, फिर तो ये कट ही जाएगा। देखिए तो स्क्वायर में ये दो दो आएगा, ये भी कट जाएगा, तो हम काहल जाएंगे मरने के लिए ये सब, है ना। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका दो का स्क्वायर करेंगे। दो का स्क्वायर कितना होगा, चार, वन का स्क्वायर वन, यानी 4:1 मेरा आंसर तो यहीं दे रहा था। झूठ मूठ का दिमाग लगाने से फायदा हमको क्या है, कोई फायदा है? तो यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तब इसमें ऑप्शन नंबर जहां मेरा 4:1 रहेगा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया कि नहीं समझ में? रेशियो में समान टर्म कट जाता है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत की विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? देखिए आयत का विकर्ण, हम चलिए थोड़ा स्लो ही चलते हैं ताकि आप समझ पाए। देखिए ये आयत है, आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये बराबर होगा आपस में, आइए दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जी। यहां से जो है विकर्ण इसी को, जिसमें सबसे बड़ी लंबी लाठी को विकर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो इसका विकर्ण बराबर होता है, देखिए जब 90 डिग्री के एस्पेक्ट में एक लकीर खींचा जाएगा तो ये क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, सीधा समझिए। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई कहते हैं, वही बात है जी, ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, दोनों का स्क्वायर करके रूट कर देंगे तो आंसर नहीं हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। आप झूठ मूठ का इसका सूत्र याद ना करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाए आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेंथ है 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर कर देंगे, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा, 9 81 81, 6 6 36, इसको आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 8 3 11, 6 1 7 117 हो जाएगा, 117 का रूट होगा। 13 गुना 9 कीजिएगा, जब इसको कीजिएगा तो 13 × 9 कीजिएगा तो 13 9 117, अब बताइए 9 का बाहर क्या हो जाएगा, 3, तो हम कह सकते हैं कि 3√13 हो जाएगा, क्या मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, 3√13 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ एक बात और ध्यान दें, यहाँ प्लस माइनस दिया है, यहाँ 3√13 दिया है, इसमें देखिए माइनस का टर्म कहीं पर नहीं, तो माइनस हम नहीं पकड़ेंगे इसका, ठीक है, आया समझ में कि नहीं। आई आयोटा का मान होता है -1, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो हम लोग जब उसमें पढ़ेंगे रियल नंबर इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे उसको। धातु के एक टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जो एक समांतर चतुर्भुज के आकार में है, दूसरा सवाल पर आ गए। धातु के एक टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जो समांतर चतुर्भुज के आकार में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 सेंटीमीटर है। तो देखिए समांतर भुजा ऐसा होता है, समान में अंतर, सीधा समझिए कि आयत को चिपचपटा कर दीजिएगा तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, किसको, तो आयत को चपटा कर दीजिएगा तो क्या समांतर चतुर्भुज समान में अंतर है ना, तो समांतर, तो इसका क्या होता है, ये क्या है, आधार कितना है 20 है, ऊंचाई कितनी है इसके 5.4 है, समझे, सीधा इसको गुना कर दीजिए, इसका क्या होता है एल इंटू बी होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है इसका, एल इंटू बी कहिए या कहिए कि आप बेस इंटू हाइट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट कर देने सर सड़ा जाएगा। अब देखिए करके 20 5 100, अब 20 4 80 यानी 8 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 108 मेरा जहां पर होगा आंसर हो जाएगा, देखिए 108। अरे समझे कि नहीं समझे, बेस इंटू हाइट होता है इसका, समांतर भुजा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समझे कि नहीं। तो इसका बेस कितना है 20 है, हाइट कितना है 5.8 है ना, तो इसको ऐसे गुना नहीं करेंगे, 20 5 100 100 हो गया, अब 20 8 100 8.5 है जी, अरे भाई क्या था यहाँ 5.4 है, सॉरी मान बैठाने में गलती कर दी यहाँ,
20 गुना 5.4, अब इसको गुना कीजिए तो 20 पाँच 100 पूरा पूरा हो गया। अब 20 चौके 80, 80 में 1 पॉइंट हटा देंगे तो 8 नहीं होगा, 8 जोड़ दीजिए कितना होगा 108। अरे समझे कि नहीं, 108 जो है कि वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो रहेगा दे देंगे आप, कितना आ जाएगा वर्ग मीटर, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 गुना हो जाती है तो इसकी परिधि पिछली परिधि की तुलना में कितने गुने हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी ऐसा वृत्त होगा, कोई भी वृत्त होगा तो इसका परिधि क्या होगा, 2πr, वृत्त का परिधि होता है 2πr। अब कहता है 21 गुना हो गया था यानी कि r अभी तो कितना है, इसमें r कितना है तो r है, और जबकि 21 गुना हो जाएगा तो 21r हो जाएगा। अब आप इसी पर बैठा दे 2 into π into r, कितना है जी इसमें 21r है ना। अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर था मेरा कितना 22πr, यहाँ जब मैंने किया तो कितना हो गया 21 दुगुना 42 42πr है ना। अब इसको रेशियो भी बनाइएगा, देखिए कितना आता है 2πr और 42πr, कटा दीजिए पाई आर से पाई आर कैंसिल, और 2 से कटाइए कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 21, यानी कितना गुना हो जाएगा तो ये 21 गुना ही हो जाएगा। आया समझ में, समझे कि नहीं, अगर कहता ज्यादा हो जाता है तब तो हो जाता है कितना 20, आंसर समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आयत की में यदि लंबाई में 80% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल जैसे बढ़ेगा दो डायमेंशन बढ़ेगा, समझे कि नहीं, तो 80 सक्सेसिव लगा दीजिए, 80 प्लस 20 प्लस 80 गुना 20 बटे 100 कर दीजिए सक्सेसिव वाला। अगर ये समझ में नहीं आता है परसेंटेज का वहाँ पर जाके देखें मैंने क्या कराया है ये सब, ठीक है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 2 0 खत्म, 8 2 गुना 16, 80 20 100 116 हो जाएगा क्या मेरा 116% का बढ़ोतरी हो जाएगा। टोटल कितना होगा 116%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवेन है। आया समझ में कि नहीं, है ना। नहीं तो आप लोग को अगर वैसे है तो हम आपको वहाँ तरीका भी बताएं करने का, 80% भी कहेगा कि इंक्रीज बाय 80%, 80% वृद्धि होगा 180 बटे 100, 100 में 80 वृद्धि होगा कितना होगा 180, 100 में 20 वृद्धि होगा कितना हो जाएगी 100 में 20 वृद्धि होगा 120, गुना कर दिया इसको 2 0 ऐसे खत्म हो गया, हो गया। अब देखिए 12 गुना 18 कीजिए कितना होगा, 12 गुना 18 कीजिए जितना भी आ जाए, ऐसे भी आप गुना जल्दी कर सकते हैं, 18 को 10 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 180 होगा ना, 18 को 2 से गुना कर दिए कितना होगा 36, 180 और 36 जोड़िए कितना होगा 216, 216 होगा ना जी बटे 100, कितना वृद्धि हो गया देखिए तो 116 का वृद्धि हुआ कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 116% की बढ़ोतरी हुई है, समझे कि नहीं। मैं कंसेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसीलिए, समझे कि नहीं। हम हमारा तात्पर्य ये नहीं कि हमको सवाल बना के निकलना है, मेरा तात्पर्य आप लॉजिक को समझें, यहाँ आप सक्सेस से भी कर सकते हैं, यहाँ आप धांसू टेक्निक सब जो होता है जो आप अप्रोच लगा के कर सकते हैं, आपका ट्रिक कहीं मत लगाइए, ट्रिक लगाने से आपका ट्रिक किसी खास सवाल के लिए होता है, सभी सवाल के लिए नहीं होता है, अप्रोच हर सवाल के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर तो चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या होगी। देखिए आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, बात समझिएगा, लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। अब तो यहां ध्यान दीजिए, आयत का विकर्ण हम तुरंत बताए थे क्या होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, होता है कि नहीं। तो आयत का विकर्ण तो यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 26 है दिया हुआ। अच्छा एल स्क्वायर तो पता, अच्छा 20 इसका जब इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ देखिए तो एल स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर, अब प्लस कितना बी का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 24 इसमें 26 का स्क्वायर होता है 576। अब इसको जब इधर लाइएगा तो -24 का स्क्वायर कितना हो जाए 576 होता है, बराबर बी स्क्वायर हो गया। अब आप ही बता दीजिए कितना होगा,
कितना होगा दोनों का गैप कितना, 100। अरे भैया 100 का स्क्वायर जब बी स्क्वायर है तो बी का मान 10 में हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। इसको दो दो बार गुना करें, इसको 10 10 दो बार गुना करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 10, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है आंसर। क्लियर है, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 8√5 सेंटीमीटर है। विकर्ण कहता है 8√5 है उस वर्ग का। देखिए वर्ग का डायगोनल ऑफ अ, जब डायगोनल जो होता है किसका, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर जो होता है √2 × साइड होता है। देखिए हम उस हर सवाल में लगभग लिखते जाते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा, समझे कि नहीं? ये लिखने का मेरा शौक नहीं है, ठीक है? अगर मैं नहीं लिखूं तो बहुत जल्दी होगा सवाल। तो देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल दिया हुआ है कितना आपका 8√5, तो ये √2 × साइड है, होगा ना जी? अब बताइए √2 √2 कटेगा तो नहीं, 5 है यहाँ जी, तो क्या हो जाएगा 8√5/√2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? साइड हो गया ना ये। अब कहता है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जब साइड आ गया तो इसी का दो बार गुना कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अरे एरिया क्या होता है, एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसको भुजा आ गया ना आपका 8√5/√2, यहाँ कटेगा नहीं, समझे कि नहीं? ये कटाना नहीं है, हमने सोचा कि √2 है। तो यह देखिए तो इसको जब दो बार गुना करेंगे 8√5/√2, तो बताइए √2/√2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट गुना करेगा ना आपस में, तो √2 × √2 करेंगे तो मेरा 2 आएगा, 8 8 कितना हो जाएगा 64, और √5 × √5 करेंगे 5 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, 8 8 64 × √5/√5 का क्या 5/2, इसको गुना कीजिए, कटाइए इसको, तो कितना होगा 32 2 × 74 34, 32 2 × 64 होता है। तो 32 को 5 से गुना कर लीजिए कितना होगा, 30 5 150 और 2 5 10, 10 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 160 वर्ग सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो कि सही आंसर है, समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए ये सवाल देखते हैं। यदि आकृति में वृत्त का परिमाप 16 पाई है तब वर्ग ABCD का परिमाप क्या होगा। देखिए ये आकृति है, आकृति कहाँ है जी, आकृति तो है ही नहीं। अच्छा चलिए कोई बात, हम एक आकृति बना देते हैं यहाँ पर, देखिए ठीक है। इन द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल इन द फिगर देन द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, देखिए यहां से ऐसे करके ये गोल करके होगा, यहां पर ऐसे करके है। तो कहता है क्या, इन द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इन द फिगर इज 16 पाए, इसका परिमाप कहता है क्या कितना है, 16 पाए है, सर्कल का परिमाप 16 पाए है। तो देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर का पेरीमीटर मांग रहा है, तो अब बताइए इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अगर 2 पाई आर का मान 16 पाए है तो हम कह सकते हैं पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कह सकते हैं कि दो कितना हो जाएगा, 2 8 16, आर का मान कितना आ जाएगा मेरा 8। तो बताइए कि अब आप ये डिसाइड करना है, यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ की दूरी तो 8 हो गया, तो यहाँ से अगर यहाँ मिलेंगे तो यहाँ भी 8 होगा, यानी भुजा कितना हो जाएगा 16, होगा कि नहीं? तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ABCD का ए ए है, ये BCD, तो 16 यहाँ, तो 16 यहाँ भी होगा, 16 यहाँ भी होगा, 16 यहाँ भी होगा, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आया समझ में, 64 हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, 4 बेरा लगेगा 16 16 मीटर का, तो 16 चौके 64 होगा कि नहीं? क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। किसी समलंब का क्षेत्रफल 60 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का क्षेत्रफल 10% है, क्षेत्रफल की 10% है, तो इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्रेपेजियम जानते हैं इतना है, तो और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स द ट्रेपेजियम इज 10% ऑफ इट्स एरिया। देखिए एरिया ट्रेपेजियम का कितना है भाई, एरिया जो है ट्रेपेजियम का है तो 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब बताइए कि अब कहता है कि
द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हाइट ही कह दीजिए, हाइट कितना है 10% ऑफ इट्स एरिया, तो इसका 60 का 10% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा ना। तो फाइंड द एरिया सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एरिया, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर कहिएगा तो होता है इसका कि हाफ इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है जी, ये होता है, समझे कि नहीं। तो हाफ दीजिए, एल प्लस बी कितना होगा जी, पता नहीं आपको है ना, है पता, एल प्लस बी पता नहीं है, तो एच कितनी है, तो 6 है ना। अब यहाँ देखिए एरिया तो 60 दिया, इसी को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 है, तो अब बताइए 60 हो गया ना, एरिया दिया हुआ है इसका, अब कटा दीजिए, 6 से कटाइए, 10 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, एल प्लस बी मेरा कितना हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा, होगा कि नहीं, एल प्लस बी मेरा 20 आ जाएगा, जो कि 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी 20 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी के लंबवत है, क्या है, एडी बीसी के लंबवत है, देखिए पहले बनाना से, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, पहले बनाना से क्या, त्रिभुज ए बी और सी है, ए डी बी सी की लंबवत, बी सी पर लंबवत है, देखिए यहाँ पर ऐसे करके डाल दीजिए, यहाँ डी दे दीजिए, बना लिए त्रिभुज हम। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये ए डी जो है ना बाबू, ये आपका है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ए डी, एंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर। एरिया, अब सबसे पहली बात आपको एरिया जानना, एरिया ऑफ, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना, तो यानी कि 90 डिग्री जब बनेगा तो एरिया इसका हो जाए, एरिया ऑफ अ ट्रेंगल तब क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बस हम इसको लाके यहाँ चिपकाएंगे आंसर बन जाएगा, देखिएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है पता नहीं, हाइट कितना है तो 8 है, और एरिया है कितना, 48, अरे समझे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, बी सी का मान तब निकल जाएगा पूरा का, है ना, बेस कितना है, बेस से तो बी सी ना, बेस तो बी सी का मान तो दे देगा ही, देगा कि नहीं, कटा दीजिए, 8 × 48 6 × 12, यानी बी सी का मान मेरा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, अरे समझे कि नहीं, 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करें, कौन सा सवाल है देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज के लंब और आधार के बीच का अनुपात 4:3 है, लंब और आधार के बीच का अनुपात, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई क्या है। अब यहाँ ध्यान दें, द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 4:3। भैया यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये अगर बेस, बेस मान लेते हैं 4 है, हाइट 3 है, मान लिया या कुछ भी मानिए आप, परपेंडिकुलर बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर पहला 4 होगा, ये 4 होगा, ठीक है, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे लिखिए, 3 लिख दीजिए यहाँ तक, ये 4 होगा तो ये 3 होगा, है ना जी, अरे भाई ये 4 होगा तो ये 3 होगा, जैसे जैसे बोला परपेंडिकुलर एंड द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल 4:3 एंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 50। तो ये तो रेशियो में दिया हुआ है ना, तो मान लेते हैं कि 4x है या 3x है, तो इसका एरिया क्या होता है, तुरंत लिखे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 3x, हाइट कितना है तो 4x, एरिया कितना है तो 150, आप इसको कर लीजिए, 2 × 4 हो जाएगा, 3 × 5, 5 से कटेगा 30 आ जाएगा यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं 5 से कटेंगे कितना होगा, 3 × 6 होगा जी, 6 से कटेंगे 25 आ जाएगा यहाँ, सॉरी 25 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो मान आ गया मेरा कितना आएगा, 25 आ गया, तो एक्स का मान कितना आ गया, 5, अरे समझे, तो यानी अगर 5 आ गया तो एक्स की जगह 5 रखेंगे तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा मेरा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा बेस,
कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना, एक बार सवाल को देख लीजिए, है ना? समझे कि नहीं? सवाल में को सिर्फ जो थोड़ा मोड़ दिया गया है, बस कुछ नहीं है। मैं अभी सवाल जो ले रहा हूँ पूरा एग्जाम अप्रोच वाला सवाल ले रहे हैं, समझे ना? न ज्यादा जो एक मोरा हुआ है, न ज्यादा सिकुड़ा हुआ है, ठीक है? सवाल जो है कि आपके एग्जाम में अप्रोच वाला है। चलिए आगे बढ़ते। तार का एक टुकड़ा एक वर्ग के आकार में मुड़ा हुआ है, जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है। एक भुजा देखिए 44 सेंटीमीटर, बाद में वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बात समझे? एक तार है, इसको वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ, ऐसा करके मुड़ा मुड़ा हुआ है, और जिसका वर्ग का प्रत्येक भुजा है 44 सेंटीमीटर है। कहता है जब इसको वृत्त बना देंगे तो इसका रेडियस क्या होगा, यही पूछा है। तो इनका परिमाप बराबर इनका परिमाप कर देगा, आंसर हो जाएगा। इनका परिमाप क्या होगा? 44 × 4 साइड इंटू फोर, इसका क्या होगा? 2 पाई आर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? इसका तब ना आर निकलेगा, इसका 2 से कटाइए, 2 2 गुना 4 होगा, यानी 44 × 2 88 हो जाएगा। 88 = 22/7 × r, 22 चौके 88, 4 सत्ते 28, तो आर का मान कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर हो गया आंसर। कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। मैंने दोनों का परिमाप बराबर किया, आंसर आ गया। तो सवाल आज का यहीं तक था। तो थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो आप देखिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और मैं भरोसा आशा करता हूँ कि मैं इसी टाइप का सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, आपको जरूर पसंद आएगी। आप मेरा अंदाज को देखें, आपको चैनल देखने में मज़ा नहीं आ गया तो मेरा कार्य किया हुआ सार्थक ही नहीं होगा। तो चलिए, तो वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।